नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आई होप हमारे सारे शेयर भाई बहन बिल्कुल बढ़िया होंगे। आज मैं आ गया हूँ श्रेयास ऑटोमोटिव, ये है दिल्ली मायापुरी में, और यहाँ पर मैं रिव्यू करने आया हूँ अपनी मारुति की फ्रॉन्क्स। ठीक है, इस कार का रिसेंटली क्रैश टेस्ट हुआ था और उसने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करा था। जो डमी भी बैठा हुआ था ना, वहाँ तक बिल्कुल भी डैमेजेस नहीं पहुँचे थे, तो इसीलिए इसको ठोक पीट के चेक करेंगे कितनी मजबूत है ये कार, और सारा रिव्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बैक। यहाँ पर आपको रियर डिफॉगर मिल जाता है, रियर वाइपर भी मिल जाता है, पीछे एलईडी लाइट्स मिलती है, स्मार्ट हाइब्रिड मिल जाता है आपको। तो माइलेज वगैरह को लेके, पिकअप टॉक, सब काफी मजा आपको आने वाला है यहाँ पे। हालांकि ये मैनुअल है, बट इट हेल्प्स टू यू नो गिव यू मोर काइंड ऑफ पंच, या फिर कह सकते हो जो बूस्ट मिलता है चलाते टाइम। और यहाँ पर अगर हम इसके बूट स्पेस की बात करें, काफी ज्यादा प्रैक्टिकल बूट स्पेस हो जाता है। उसका रीजन ये है कि अगर मैं इसको हटा देता हूँ ना, ऑन पेपर तो कम है, पर जो ये गहरा काफी है बूट स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, ये इतना गहरा बूट स्पेस है, अगर मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, ये देखो मैं कितना अंदर तक जा चुका हूँ। यहाँ पे आपको फील हो रहा होगा सीट तक आ रहा हूँ मैं, और आप यहाँ पर आराम से दो लगेज रख सकते हो, छोटे वाले तो तीन आ सकते हैं, बड़े वाले दो आ जाएंगे, कुछ और सामान भी आ जाएगा। तो इसको रख देते हैं आप वापस यहाँ पे। पीछे वाले जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल हो जाते हैं, अच्छी बात यह है। तीन मिल रहे हैं वो आपको, छोटा बेबी अगर आपको कोई है, चाइल्ड है घर में, तो उसके लिए यहाँ पे अच्छी चीज हो जाती है। देख रहे हो बूट कितनी जोर से बंद हुआ है, फुल पावरफुल बिल्ड क्वालिटी है इसकी। तो अब हम खड़े हैं कार की फ्रंट प्रोफाइल पे। फ्रंट इसका बहुत ज्यादा प्यारा है, सोनेट की टाइगर नोस आई थी, पर यहाँ पर ऑलरेडी कोई नोस चल रही है। ये कौन सा जीव है मुझे नहीं पता, पर ये बहुत ही प्यारी लग रही है। एलईडी लाइट्स मिलती हैं, एलईडी प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है, एलईडी डीआरएल मिलते हैं, और काफी यूनिक प्यारी लुक है। हेडलाइट अगर आप देखोगे, थोड़ा सा ट्रिपल पैटर्न में दी हुई है, काफी यूनिक लगती है मुझे इस कार की लुक। अगर बैक से बात करूँ तो थोड़ा कूपे स्टाइल है, मजा आता है। फ्रंट से बहुत अच्छी है, आई मीन इसकी रोड प्रेजेंस इतनी प्यारी है कि मैं मजबूर हो गया, मैंने कहा यार नेक्सा चल के ना इसको शूट कर ही लेते हैं। यहाँ पर देखो आपको पहले तो ड्यूअल टोन दिख रहा होगा ऊपर, इसका रूफ ड्यूअल टोन वाली कार हो जाती है यहाँ पे। और ये आपको ब्लैक कलर का ओआरवी मिल गया, टर्न इंडिकेटर भी मिल गया आपको यहाँ पे। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलता है और बॉडी कलर डोर हैंडल मिलते हैं। यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा, अभी ना सीट थोड़ी सी आगे है, अभी मैं इसको बिल्कुल पीछे करके आऊंगा, आपको रियल दिखाऊंगा इसका हेडरूम वगैरह क्या है, लेग रूम क्या है। सो ये देखो बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक मैंने इसकी सीट को पीछे कर दिया है। ठीक है, अब अंदर चलते हैं। सबसे पहले हो जाता है रियर डोर, यहाँ पे लेदराइट काम दिया हुआ है, स्टिचेस देखो बहुत प्यारे लग रहे हैं, ग्लॉसी ब्लैक, क्रोम हुआ है यहाँ पे। कभी कभी तो भाई यकीन नहीं होता कि भाई मारुति नेक्सा का प्रोडक्ट है, पर मजा आ गया। यहाँ पर अगर सीट अपोस्टरी की बात करें तो फैब्रिक मिलता है, ठीक है, और जैसा मैंने कहा था एडजस्टेबल हेड मिलते हैं यहाँ पे। और अंदर बैठ चुका हूँ मैं, और ये देखो इतना हेडरूम पीछे वालों के लिए है। थाई सपोर्ट काफी अच्छा है यहाँ पे, पूरा थाई मेरा आराम से आ पा रहा है। और ये देखो आप जो लेग रूम है, इतना लेग रूम अभी भी बचा हुआ है, जबकि सबसे पीछे सीट है, सबसे पीछे करके तो भाई बंदा ड्राइव नहीं करेगा। आई होप ये कवर हो पा रहा हूँ यहाँ पे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। अगर आप इस कार के प्राउड ओनर होते हो भाई, इतना अमेजिंग आपको सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, इंफोटेनमेंट सिस्टम का साइज आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, फुली फंक्शनल स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल रहे हैं, डी कट वाला क्लॉसी वो भी स्टेयरिंग मिल रहा है आपको यहाँ पे। कितना खिलकर आ रहा है सुजुकी का लोगो यहाँ पे। नीचे देखो भाई साहब, आप आर्म रेस्ट मिलता है, वो भी स्लाइडर वाला। यहाँ पर अगर आप इंटीरियर देखते हो, ट्रिपल पैटर्न मिलता है भाई, मतलब क्या तीन कलर मिक्स चल रहे हैं यहाँ पे, चार, ब्लैक भी तो है ना, दिख रहा होगा आपको, सिल्वर है, बीच है, फिर ये थोड़ा बरगंडी टाइप है, और यहाँ पर फिर ब्लैक ग्लॉसी करा हुआ है। आई मीन यार बिल्कुल मजा ही आ गया। और पीछे देखो यहाँ पे मिल जाता है रियर एसी वेंट, नीचे दो स्लॉट है, एक टाइप सी के लिए और एक आपके यूएसबी के लिए। तो बिल्कुल जरूरतों का ध्यान रखते हुए बिल्कुल सारे फीचर डाले हुए हैं। ऊपर सेंटर में कैबिन लाइट मिल गई, ठीक है, आगे वहां पर देखोगे तो वहां पे भी मैप लाइट है, तो ये डबल दिया हुआ है, ये मुझे और ज्यादा अच्छा लगा। कई बार क्या होता है एक ही कर देते हैं वो। IRVM आपका ऑटो वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो 6 एयरबैग मिलते हैं आपको यहाँ पे। सेफ्टी की बात हमने पहले कर ही ली थी, क्रैश टेस्ट काफी अच्छा था इसका, काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी लगी मेरे को इसकी। बिल्कुल गेट वगैरह बंद करते हुए ऐसा नहीं लगा कि कुछ हल्की चीज है यहाँ पे। असली चीज तो ये देखो आप, इसमें आती है HUD क्योंकि टॉप वेरियंट है, और यहाँ पे दिखा रहा है लो फ्यूल, थोड़ी बेइज्जती हो गई यहाँ पे। खैर वो मेरी गलती थोड़ी है, मेरी कार नहीं है, शोरूम वाले डालेंगे भाई, मैं थोड़ी डालूंगा फ्यूल। पर मेन चीज ये है, यहाँ पर देखो आपको ना डिटेल शो करता है ऐसे सारी, तो ये HUD एक अलग टोरस ऐड करती है। यहाँ पर सारी चीजें आपको मिल जाती है, क्रूज कंट्रोल है जैसे HUD है, ठीक है, और यहाँ पे हेडलाइट, ऑटो स्टार्ट ऑफ, कुछ स्टार्ट के ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, नीचे पेट्रोल और बूट। आगे फिर से आपको देखो USB मिल गया। और अगर मैं कार की बात करूं तो अच्छी की है, मतलब मारुति की जो एक ट्रेडिशनल की होती है ना, वो वाली की नहीं है, इस तरीके की मिलती है आपको, ट्रेडिशनल की नहीं है मारुति की, जैसे होता है ना, अच्छा लगेगा आपको।
अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है यहाँ पे ग्लोव बॉक्स में, ब्रेजा जितना ग्लोव बॉक्स में स्पेस मिलता है यहाँ पे। यहाँ पर ऊपर आपको ट्विटर मिल जाता है, यहाँ पर देखो क्रोम का काम हुआ है, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं आपके पावर विंडोज के ऑप्शन, ऑटो फोल्ड अनफोल्ड मिलता है। आज की डेट में तो इंपॉर्टेंट है यार, क्या बार बार हाथ निकालो ये सब करो, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हो अंदर से ही बैठे बैठे। तो ये लो भाई ऑन डिमांड मैंने आपको दिखाया, इतनी प्यारी कार आपको लगने वाली है, कितनी सुंदर लग रही है भाई। लाइट देखो ऑन करके आया हूं स्पेशली आप लोगों के लिए। इसका मुझे सबसे अच्छा पता क्या लगा, देखो अलॉय व्हील बिल्कुल ही नया डिजाइन है, और थैंक गॉड जो क्लैडिंग है ना भाई ब्रेजा में इतनी भर भर की क्लैडिंग है। और ये देखो पीछे की एलईडी लाइट जो जाती है टेल लैम्प कनेक्टेड वाले, कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे, स्किड प्लेट के साथ भाई सब कुछ निखार के आ रहा है यहाँ पे। तो कैसे लगी दोस्तों वीडियो, चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना यार, इतना तो बनता है एफर्ट्स के लिए। और हम इस चैनल पे रिव्यूज के अलावा भी बहुत तरह की वीडियोस डालते रहते हैं, सो कीप वॉचिंग। और कोई भी आपके डाउट्स या कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट कर सकते हैं, और जैसा मैंने कहा था श्रेयांश ऑटोमेटिक पे आप आ सकते हैं दिल्ली के अंदर, अगर आप कहीं से भी देख रहे हो ना मायापुरी में बेस्ट डील्स आपको मिलने वाली है, बेस्ट से बेस्ट, इतनी इंश्योरेंस तो आपको दे सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।